हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाह वीडियोस। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपका आरआरबी जेई का पेपर हुआ था 2014 और 2015 में, उसके जो आपके टेक्निकल पोर्शन में। इससे पहले मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखी जिसमें हमने देखा कि नेटवर्क थियरी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दोनों ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके डिफरेंट सेट्स में, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो आपसे क्या पूछा गया था, आप देख सकते हैं कि 2014 आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया था कि आपको एक सर्किट दिया हुआ था, एक डिजिटल सर्किट दिया हुआ था जिसमें आपसे पूछा गया था कि आपका सर्किट आपके कौन सी चीज़ का सर्किट है। आपके ऑप्शंस थे, फर्स्ट ए ऑप्शन था आपका हाफ एडर, बी ऑप्शन था आपका लैच, सी ऑप्शन था आपका बिट काउंटर, एंड द फोर्थ वन इज पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट डिवाइसेस। तो दोस्तों, जो बेसिकली आपका जो यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है वो एक एसआर लैच बाय यूजिंग नैंड गेट, आपका एक लैच सर्किट है। ठीक है, लैच सर्किट है, और लैच सर्किट में भी आपका एसआर लैच है, और आपका ऑप्शन यहाँ पर बी आप देख पा रहे होंगे कि लैच सर्किट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सेट रिसेट जो है लैच सर्किट है, और बाई यूजिंग नैंड गेट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सर्किट्स में जो गेट आपके यूज किए गए हैं वो आपके नैंड गेट हैं। तो ये आपका एक एसआर सर्किट यूजिंग बाई नैंड गेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी थियोरम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डी मॉर्गन्स थियोरम। तो आपका आपको उससे इसका जो है स्टेटमेंट्स पूछा गया था कि आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, और आपको आप चार ऑप्शन दिए हुए थे, आप चारों ऑप्शन दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं कि जेई 2014 में आपका पूछा गया था। तो बेसिकली जो आपका चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि डी मॉर्गन जो थियोरम्स होती है उसके अकॉर्डिंग आपका जो दो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। और आपका जो ऑप्शन है उसमें से कोई भी ऑप्शन दोनों में से नहीं दिया हुआ है, तो आपका एक क्वेश्चन गलत पेपर में पूछा गया था। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप एक्चुअल में आपका जो डी मॉर्गन थ्योरम होती है उसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है कि x प्लस वाई का होल बार, आपको इसको लिख सकते हैं x बार इंटू वाई बार। ठीक है, x प्लस वाई का होल बार, इसको आप लिख सकते हैं x बार इंटू वाई बार। और साथ ही साथ जो दूसरा स्टेटमेंट इसका है वो है x डॉट वाई का होल बार इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके डी मॉर्गन थ्योरम्स के स्टेटमेंट है। जबकि आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, और लेकिन जो इसका एक्चुअल है मैंने बताई भी आपको, आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मिथ ट्रिगर इज ऑल्सो नोन एज, तो आपसे पूछा गया था कि आपका जो स्मिथ ट्रिगर होता है वो उसको और किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है स्वीप सर्किट, ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर, स्क्वायरिंग सर्किट, या फिर स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो दोस्तों, जब का स्मिथ ट्रिगर सर्किट होता है वो आपका एक स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। अब स्टेबल में आपकी यूनि स्टेबल, बाई स्टेबल, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बाई स्टेबल। और बाई स्टेबल से क्या मतलब है कि जब का मल्टी वाइब्रेटर होता है इसके दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, बाई मतलब टू एंड स्टेबल मतलब आपको पता ही है कि दो स्टेबल स्टेट्स, इसमें आपकी फर्स्ट आपकी स्टेबल स्टेट जीरो होती है एंड द सेकेंड वन इज वन। ठीक है, तो आपकी दो स्टेबल स्टेट्स हो जाएंगी जीरो एंड वन। और आपको जो आपका जो सर्किट होता है या आपका एक स्मिथ ट्रिगर, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रीजनरेटिव कंपैरेटर। ठीक है, रीजनरेटिव कंपैरेटर, या फिर आपका एक मल्टी बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर देख लेना, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि स्मिथ ट्रिगर इज ऑल्सो नोन एज स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट। आपके ऑप्शंस थे, फर्स्ट वन इज नैंड, सेकेंड वन इज सॉरी फर्स्ट वन इज एंड, सेकेंड वन इज नैंड, एंड थर्ड वन इज और, एंड फोर्थ वन इज नॉर। दोस्तों, आपको बेसिक क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि आपको यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, आपके पास दो यूनिवर्सल गेट हैं, फर्स्ट वन आपका जो नैंड है और सेकेंड वन इज नॉर गेट। तो आपके पास दो गेट हो गए जिसमें आपके नैंड और नॉर आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। और सबसे कई बार एग्जाम में आपसे ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए कि यूनिवर्सल गेट से क्या मतलब है। तो यूनिवर्सल गेट वे गेट हैं जिनके यूज़ से आप किसी भी तरीके का जो डिजिटल सर्किट बाय यूजिंग, अगर आपको लॉजिक गेट्स आपको क्रिएट करना है तो इन्हीं दो गेट्स की वजह से आप कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं बिना आपके जो बेसिक गेट्स होते हैं नॉट एंड एंड नॉट नॉट एंड आर, ये आपके जो बेसिक गेट्स होते हैं इनके बिना यूज के ही आप इन दोनों गेटों के हेल्प से आप कोई सर्किट डिज़ाइन कर पाएंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी और डी दोनों सही हो जाएगा कि जो आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं वो एक नैंड है एंड द सेकंड वन इज नॉर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ए गेट इज इन विच ऑल इनपुट्स मस्ट बी हाई
गेट ए लो आउटपुट इज, आपके ऑप्शन थे एन इन्वर्टर, एंड गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि आपका वो कौन सा गेट है जिसमें हम दोनों हाई इनपुट्स देते हैं तो आपके जो आउटपुट आपको मिलता है वो आपका लो होता है। तो आप देख सकते हैं कि नैंड गेट्स का जो लॉजिक टेबल है वो आप देख सकते हैं कि जब आपके दोनों इनपुट हाई होते हैं तो आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट होता है वो लो हो जाता है। और इसका लॉजिक गेट, इसका आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन ये है कि जब आप नैंड गेट्स पे दोनों इनपुट दे रहे हैं तो आपका जो आउटपुट बन रहा है वो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो आपको डिज़ायर्ड इनपुट चाहिए आपको आउटपुट वो आपको नैंड गेट से मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड ए डिजिटल सिग्नल। आपसे पूछा गया था कि कौन से इसमें आपके डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। आपके ऑप्शन है साइन वेव, स्क्वायर वेव, ग्रेजुअल ट्यूनिंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर एंड द फोर्थ वन इज स्लो चेंज इन वैल्यू ऑफ रजिस्टर। तो दोस्तों जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, सबसे पहले आपको कन्फर्म होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नल से क्या मतलब है। तो आपको पता होगा कि जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये या तो हाई होंगे या फिर लो होंगे। ठीक है, या तो इनकी वैल्यू जीरो होगी या फिर इनकी वैल्यू वन होगी। और ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया सिंपली आपको स्क्वायर वेव्स में भी आप देखते हैं। यहाँ पे आप मैंने स्क्वायर वेव बना रखी है, इसमें आप देख रहे होंगे कि या तो इसकी वैल्यू हाई है या तो इसकी वैल्यू लो है। तो इसीलिए आपके जो स्क्वायर वेव्स होती हैं इनको हम डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि जो आपकी स्क्वायर वेव्स प्रोवाइड ए डिजिटल सिग्नल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी जी 2014 में ही, और क्वेश्चन आपका था कि ए नॉर गेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट बिकॉज। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया ही है कि आपके जो नॉर एंड नैंड गेट हैं ये यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि इट कैन बी यूज्ड विदाउट नीड ऑफ एनी अदर गेट। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके बेसिक गेट्स हैं एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, इन तीनों बेसिक गेट्स के बिना यूज किए ही आपको किसी भी डिजायर्ड आपको अगर लॉजिक सर्किट बनाना है तो आप इन दोनों गेट की हेल्प से बना पाएंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इट कैन बी यूज्ड विदाउट नीड ऑफ एनी अदर गेट टाइप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द आउटपुट ऑफ ए लॉजिक गेट इज़ वन व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर जीरो। तो आपसे पूछा गया कि लॉजिक गेट आपका वन आउटपुट आ रहा है जबकि इसके जो आउटपुट दो हैं वो आपके जीरो हैं, तो आपका कौन सा लॉजिक गेट होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके जो नॉर गेट और एक्सॉर गेट की कंडीशंस में आपका क्या होता है। नॉर गेट में आपको पता ही है कि नॉर गेट में क्या होगा, आपका जो एक्सप्रेशन होता है आउटपुट का वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार। और एक्सॉर गेट में आपका हो जाएगा ए एक्सॉर बी, सॉरी आपका एक्सनॉर है तो आपका हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, ए एक्सनॉर बी, ये दोनों आपके एक्सप्रेशन हो जाएंगे और इसमें आपका आउटपुट वन होगा जब आपके इनपुट दोनों जीरो होंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन टू सही हो जाएगा, नॉर एंड एक्सनॉर गेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके दिया हुआ, आपके पास एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है और आपको बताना है ये किस आपको गेट को रिप्रेजेंट करेगा। आपके ऑप्शन है नॉट गेट, नॉर गेट, और गेट या फिर नैंड गेट। दोस्तों जो आपका सर्किट है जिसको जब हम इसको ट्रुथ टेबल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको देखिए आप देखते हैं कि जब आपके आपका कोई भी इनपुट अगर हाई है, ठीक है, आपका कोई भी इनपुट ए और बी में से कोई भी इनपुट हाई है तो आपका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आपका हाई आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से आप जब टेबल डिज़ाइन करते हैं तो आपको आपको पता चलता है कि जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आपके जो आउट गेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आपके नैंड गेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि नैंड गेट में आपका क्या होता है कि आउटपुट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए डॉट बी का होल बार। ठीक है, तो आपको जब भी इसका जीरो होगा उसको आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नंबर सिस्टम से और आपको दिया हुआ है कि आपके एक डेसिमल नंबर है 210 और इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, आपको अगर आपको पास कोई भी डेसिमल नंबर है उसको सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपको एलएसबी से एमएसबी की तरह एलएसबी से एमएसबी की तरफ बढ़ते हुए 4 बिट्स की पेयर बनाना है। ठीक है, 4 बिट्स का पेयर बनाना है और 4 बिट्स के पेयर बनाने के बाद जो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी D26 D216, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपको नंबर मिलेगा आपको हेक्साडेसिमल में उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी D2 और आपका ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज इनपुट इम्पिडेंस ऑफ। तो आपके पास एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, आपसे पूछा गया कि जो इसका इनपुट इम्पिडेंस होता है इसकी वैल्यू आइडियली कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस थे 0,
इन्फिनिटी, सी ऑप्शन है 1 ओम, एंड द फोर्थ वन इज 0.1 ओम। तो दोस्तों, जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो आइडियल कंडीशन में वो आपका इन्फिनिटी होना चाहिए, और आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था RRB JEE 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बूस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स। तो आपके पास एक सिंगल ट्रांजिस्टर, आपसे बताया गया कि आपके पास एक सिंगल ट्रांजिस्टर है, आप इसकी हेल्प से कौन सा लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। आपके ऑप्शन थे और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट या फिर नॉट गेट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो नॉट गेट बाय यूजिंग ए ट्रांजिस्टर, इसका सर्किट है और इसमें आपको देख सकते हैं एक ही ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कि बाय यूजिंग ए सिंगल ट्रांजिस्टर वी कैन कंस्ट्रक्ट ए नॉट गेट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट लॉजिक एंड गेट्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि एंड गेट का आउटपुट सबसे पूछा गया, तो एंड गेट का आउटपुट होता है ए डॉट बी। आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर एन आइडियल सी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज इन्फिनिटी, 0, +1 या फिर -1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कंडीशन में जबकि CMRR की वैल्यू होती है वो होती है AD/AC, और आइडियली AC जो आपका कॉमन मोड गेन होता है वो 0 होता है। तो इसीलिए आपका जो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी आपकी इन्फिनिटी, और आपका ऑप्शन यहाँ पर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका, सॉरी, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो आपकी CMR की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पास डेसिमल नंबर है 14, इसको आपको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब 140 को आप जब अब सॉरी आप जब 14 को कन्वर्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आपको मिल जाएगा 1110, ठीक है, 1110, और आपका ऑप्शन वन सही हो जाएगा, 1110। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे एक लिंक दिख रहा होगा, इसके थ्रू आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।